अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एड विन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ। बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव एंड बी सपोर्टिव। हैप्पी वुमेंस डे। सीबो के बहुत सारे खूबसूरत मेंबर्स अपनी प्यारी प्यारी स्टोरीज और इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आपके पास आ रहे हैं, ताकि आपको इंस्पायर कर सकें, ताकि आपको भी अपने घर से बाहर निकलें और एक हेल्दी और मोटिवेटेड काम कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने बच्चों के लिए लग्जरी लाइफ देख सकें और अपने आप को माशरे में एक इज्जत का मुकाम दे सकें। हाँ, हमारा काम घर का खाना बनाना है, बच्चे पैदा करना है, एक माशरे को बनाना है, लोगों को एक अच्छी तरबियत देना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये हक भी है कि हम अपने पैशन को लेकर आगे भी बढ़ें, हम एक जनरेशन को संवारें और अपने अपनी सोसाइटी के सोच को भी तब्दील करें, एक अच्छी और एक बेहतरीन औरत बनके। तो आज मेरे साथ हैं, जिनको आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं हमारे अपने सीबो के प्लेटफॉर्म्स पे भी, और इस वक्त मैं जो अक्सर जाहिर की बात जो कह रही हूँ फेस्टिवल्स की, ये जो हसीन सा जो आप सेटअप देख रहे हैं, जो वुमेंस डे का जो डिकोर किया है, वो अक्सा ने किया है, फेस्टिवल्स ने किया। तो वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। आपको भी देखते हुए, जब आप रात में हम लोग सब साथ थे और हम लोग इसको बना रहे थे, देख रहे थे, मैं हेल्प कर रही थी, और सुबह जब उसको देखा तो सब ने कहा कि इट्स लुक वेरी एलिगेंट एंड डीसेंट एंड बहुत अच्छा लग रहा है, स्प्रिंग, प्रॉपर स्प्रिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या 5 साल हो गए आपको फेस्टिवल्स को स्टार्ट करते हुए? तो कैसा कि हर साल अपने आप पे एक नई उम्मीद, नई पोटेंशियल, नई पावर और नई सोच के साथ आ गए? बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था और आज 5 साल बाद जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी लीप ली। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश को मैंने सिर्फ ऐसा स्टार्ट किया कि मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट बहुत था यहाँ पे। मैं हमेशा से घर की डेकोर में, डिज़ाइनिंग में और चीज़ें डेकोरेट करने में बहुत इंटरेस्ट लिया करती थी। तो जब मैंने इसको सिर्फ ऐसा स्टार्ट लिया, क्योंकि मेरे अपने बेटे की बर्थडे थी और मैं कोई इवेंट प्लानर नहीं हायर कर सकती थी उस वक्त, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो मैंने अपने बेटे की बर्थडे खुद से की और ये ऐसे स्टार्ट हुआ। और मुझे पता चला ये करके कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। और फिर जब मैं 3 साल बाद मैंने सीबो ज्वाइन किया लास्ट ईयर, एंड लास्ट जब पेंडेमिक से बिल्कुल थोड़ा बस पहले, तो आई फील कि दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई हैड डन टू माय सेल्फ, बिकॉज उसके बाद जो मैंने अपने अंदर ग्रोथ देखी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखा, वो एक अलग चीज़ थी। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो मैं अभी फातिमा के जब इंटरव्यू ले रही थी, तो फातिमा के भी मैं जो देख के बड़ा अच्छा लगा कि हम उस वक्त के साथ थे अक्सा, कि जब चीज़ें जो है ना वो बहुत इनिशियल थी, लोगों को पता ही नहीं था, जब उस वक्त चेंजेस आ रही थी, लोग ग्रोइंग एज में थे, लोग सीख रहे थे, नई चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब मैं जब उन लोगों को देखती हूँ ना, आई फील सो प्राउड और आई फील सो रियली प्राउड कि मैं पायनियर्स में सीखी, कि मैंने उन लोगों को एक ऐसी डोर दी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज उनका नाम है और आज माशाल्लाह ऑन स्क्रीन है, आपने AOI के इतने सारे शोज़ किए, इंडिविजुअल सोलो शोज़ किए, सीबो ने आपको बेहतरीन मुकाम दिया, ये आज आपको इतना मौका मिला कि हैप्पी वुमेंस डे का आप सेटअप फ्लोरल, जो एक औरत की खूबसूरती होती है ना, नाजुक, बहुत खूबसूरत, खुशबूदार, उसको आपने बहुत अच्छा सजाया। थैंक यू सो मच। ये आपका ट्रस्ट था जब आपने मुझसे कम्युनिकेट किया कि ये आप चीज़ करें, तो मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों नहीं, जब मैम समिया मुझे इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही हैं कि मैं इस चीज़ को करूं, तो वाई नॉट। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वुमेंस डे का एक इवेंट है और ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर हम एक अच्छा सा ऐसा डिकोर करते हैं, तो इससे हम नहीं, पूरी वुमेंस जो हैं, पूरी जो एरा है वुमेंस का, वो रिप्रेजेंट होता है। तो डेफिनेटली उससे बहुत अच्छा एक तो एक्सपोजर मिलता है और उससे बहुत ज़्यादा जो ना आपको एक अच्छी एक फीलिंग भी मिलती है कि आपने कुछ अच्छा किया, एक अच्छा इनपुट दिया कहीं पे। ये बहुत अच्छी बात है और वंस अगेन थैंक यू सो मच कितना हसीन सेटअप करने के लिए। और ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, हमारे जो छोटे अल्फाज होते हैं, जो हमारे मुँह से निकलते हैं, जो हमारे दिल से निकलते हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रॉपर स्क्रीन पर आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अल्फाज होते हैं, हम बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे जुमले होते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों को एक मजबूती देते हैं, लेकिन जब स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपने बच्चों की खुशी से ही निकलते हैं, उनको पता चलता है कि नहीं मेरे अंदर ये टैलेंट है, या घर वाले ही सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार तुम्हें तो ये बड़ा काम कर, तुम्हें तो पैसे बचा लिए हमारे, तो उस वक्त जो पैशन अंदर से निकलता है ना,
और जब वो लोग दिल से बात करते हैं ना, तो वो जाते हैं वाकई में उन सब लोगों के दिल पर लगती है जो कि कोई उम्मीद के लिए हैं। ये उम्मीद की ऐसी किरण है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच राणा, थैंक यू सो मच IQ पिक्चर्स, क्योंकि आप ऑफिशियल पिक्चर्स देखेंगे। थैंक यू राणा फॉर द लवली वीडियोग्राफी, थैंक यू अक्षय दुरानी फॉर द लवली ड्रेसेस, थैंक यू हील सैलून फॉर द मेकओवर, थैंक यू फेस्टीज फॉर द लवली डेकोरेशन, एंड थैंक यू द ब्रुक वुड फॉर द लवली इन्वेंट्री। वंस अगेन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।